देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अहमदाबाद से 85,000 करोड़ के विकास के विभिन्न प्रकल्पों का लोकार्पण और खत्म मुहूर्त करवाया गया था। उसी के तहत दाहोद में 9,000 HP लोकोमोटिव कारखाने का लोकार्पण भी वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से करवाया गया था। उसके बाद दाहोद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा अचानक मुलाकात के लिए पहुंचे थे। उस दौरान स्टेशन पर स्थानीय विधायक और प्रतिनिधियों की ओर से उनका स्वागत किया गया था। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से दाहोद रेलवे स्टेशन पर चल रहे पारा स्टेशन के कार्यों की जानकारी हासिल करने के बाद 9,000 HP लोकोमोटिव कारखाने की मुलाकात ली गई थी। इस दौरान उनके साथ पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा, DRM और साथ ही अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। दाहोद में अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास एकदम नई तकनीक के इंजन बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प का आज एक बहुत अच्छा उदाहरण दिखाई दे रहा है। ये फैक्ट्री जो आप देख रहे हैं, इस फैक्ट्री में ऐसे इंजन बनेंगे जो कि भारत में आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी कभी नहीं थी। बहुत तेज़ी से काम हुआ है। साल डेढ़ साल पहले यहाँ पर पूरा मैदान था, क्या था अभी बोले थे, गड्ढा था, गड्ढा गुजराती में बोले, खड्डा था। और आप एक सुंदर एक फैक्ट्री दिख रही है, इसका फेज टू का काम भी चल रहा है तेजी से। दिसंबर 2024 का टारगेट है जी, यस सर, दिसंबर 2024 का टारगेट है। आप देखो मोदी जी का जो काम वो हाथ में लेते हैं जी, समय से पहले ही कंप्लीट करते हैं, तो 2024 के दिसंबर तक इससे पहला इंजन निकले। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।